देखिए, दिल्ली एनसीआर में मेट्रो इस्तेमाल करने वाले 78 लाख से ज्यादा लोगों के लिए ये एक बड़ी खबर है। मेट्रो स्टेशन और मेट्रो रेल के अंदर बढ़ते क्राइम को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस ने बड़ा फैसला किया है। बताता हूं आपको, दिल्ली के 190 मेट्रो स्टेशंस में हुए क्राइम का डेटा इकट्ठा करके उसका एनालिसिस किया गया है। इनमें से पुलिस ने 32 ऐसे मेट्रो स्टेशंस की पहचान की है जहां मोबाइल फोन चोरी, बैग चोरी और महिलाओं से बदसलूकी सहित दूसरे अपराध हो रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस इन मेट्रो स्टेशंस और मेट्रो रेल के अंदर सादी वर्दी में पुलिस कर्मियों को तैनात करेगी। इन पुलिस कर्मियों की मदद से दिल्ली मेट्रो को सुरक्षित बनाने की कोशिश होगी। हमने दिल्ली मेट्रो में सफर करने वाले यात्रियों से बात करके एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें आपको यह भी पता चलेगा कि वो 32 मेट्रो स्टेशन कौन से हैं जहां आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। दिल्ली मेट्रो के 32 स्टेशनों पर अब अपराधियों की खैर नहीं। दिल्ली मेट्रो में जिस रफ्तार से यात्री बढ़ रहे हैं, उसी रफ्तार से क्राइम में भी इजाफा हो रहा है। इसलिए राजीव चौक, कश्मीरी गेट, आनंद विहार और सीलमपुर सहित 32 स्टेशनों पर सादे कपड़ों में पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। 32 ऐसे मेट्रो स्टेशन हैं जहां पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़, बैग चोरी, मोबाइल चोरी जैसी घटनाएं लगातार घट रही है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने यह फैसला लिया कि इन तमाम मेट्रो स्टेशन पर अंडरकवर पुलिसकर्मी को तैनात किए जाएंगे और ये पुलिसकर्मी सादे कपड़े में होंगे। दिल्ली मेट्रो की सुरक्षा की जिम्मेदारी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF और दिल्ली पुलिस के पास है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने यात्रियों की आवाजाही के दौरान भीड़ को कंट्रोल करने के लिए प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं। क्राइम पर कंट्रोल करने वाली इस खबर का दिल्ली मेट्रो के यात्रियों ने स्वागत किया है। दिल्ली पुलिस के लिए बहुत अच्छा है, मतलब सराहनीय कार्यक्रम है, जो कि मतलब सिविल ड्रेस में अगर रहेगा तो अच्छा है, महिलाओं के लिए भी है। बहुत अच्छी पहल है दिल्ली पुलिस की, कमी आएगी, अपराध में कमी आएगी और छेड़छाड़ में भी कमी आएगी। पुलिस अगर सादे वर्दी में रहेगी सर, तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार की चीज़ें भी नहीं होगी जो फैमिली को लेकर प्रॉब्लम होता है ट्रैवल करने में, सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा रुकावट आएगा। कोई बहुत फ़र्क आने वाला नहीं है उससे, क्योंकि पुलिस का कोई भी डर क्रिमिनल को नहीं होता है, चाहे वो ड्रेस पहने या ना पहने। ये बहुत अच्छा पहल है, बहुत पहले कर देना चाहिए था, बट इसको कंटिन्यू रखेंगे तो उसका रिजल्ट आएगा। कुछ महीने के एक्सपेरिमेंट के लिए रखेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं उसका। को प्रमोट ऐसे लेवल से हो जो लोगों के मन में एक डर हो, जो शायद हमारे पड़ोस वाले पुलिस वाले ही खड़े हैं, तो मैं कुछ क्राइम करने से पहले, कुछ गलत काम करने से पहले एक बार डरूं, और ये डर होना ज़रूरी है। तरीके से देखा जा रहा है महिलाएं सेफ नहीं है, और ये जो 32 आप कह रहे हो ऐसे चिन्हित किए गए हैं जगहें, तो अगर ऐसा कुछ करती है दिल्ली पुलिस तो बहुत बढ़िया है। कई बार ऐसा था अकेले खड़े होते हैं तो हमें भी डर लगता है ना, तो पुलिस होती थी थोड़ी सी तसल्ली सी हो जाती है। क्राइम में तो आएगी थोड़ी सी, जो भी उनको भी तो, क्रिमिनल को भी तो थोड़ा डर रहेगा ना। ज्यादा क्राइम वाले स्टेशनों का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने एक सर्वे कराया और सटीक आंकड़ों की मदद से अपराधियों के फेवरेट स्टेशनों की लिस्ट तैयार की। इसको हमने टेम्पोरल और स्पेशल एनालिसिस कहा है, और इसके कनेक्शन में हम डिप्लॉयमेंट शुरू कर रहे हैं ताकि इससे क्राइम में गिरावट आए और क्रिमिनल्स पे भी वॉच रखी जाए। हालांकि दिल्ली मेट्रो रेल और स्टेशनों पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अब सादे कपड़ों में पुलिस कर्मियों की तैनाती से क्राइम पर फुल कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। Z News.